नमस्कार दोस्तों। तो आज हमने क्या किया कि सभी पोर्ट्स को अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके थोड़ी साफ सफाई की है और सभी प्लांट्स को ग्रुप में रख दिया है, जैसे कि टमाटर के सारे प्लांट एक साथ, ज्वार के सारे एक साथ, उस तरीके से ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा जो पोटैटो का प्लांट है उसकी पत्तियाँ अभी येलोइश होने लगी है, इसका मतलब कि नीचे पोटैटो रेडी होने लगे हैं। और इसमें सरप्राइजिंगली एक वीट गेहूं का भी एक प्लांट निकल आया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला। और ये हमारा कोरिएंडर जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने लगा है, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये मैंने पिछले हफ्ते जो अपना पम्पकिन होता है वो ग्रो करने के लिए रखा है, तो वो भी अभी धीरे धीरे अच्छी तरह से ग्रो होना चालू हो गया है। हमारे प्याज के जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं, और एलोवेरा भी जो है वो उसके अंदर मतलब काफ़ी हो गया है ग्रो, आप देख पा रहे होंगे जैसे कि। और ये जो है मेरा मेरीगोल्ड, जो ऑरेंज कलर के मेरीगोल्ड आते हैं। अब तक ना मैं क्या गलती कर रहा था कि मेरीगोल्ड के जो सीड्स होते हैं ना उनको ज़मीन के अंदर डाल के थोड़ा ऊपर से मिट्टी ज़्यादा डाल रहा था, तो उसकी वजह से वो ग्रो नहीं हो रहे थे। तो इस बार मैंने मिट्टी के ऊपर ऐसे ही स्प्रिंकल करके छोड़ दिया, तो अभी तकरीबन 14 जितने सीड्स जो है वो ग्रो हो चुके हैं। तो ये तकरीबन एक डेढ़ महीने में इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये एक और मेरा अनियन का जो है वो है, इसके अंदर भी एक साथ दो दो हो गए, दो तीन तीन हो गए हैं। एक ऑनियन डाला था उसमें से तीन हो गए अभी। फिर अभी ये हमारा जो करी लीव्स, कड़ी पत्ते का जो है वो अभी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, वो इतना स्पीड से नहीं ग्रो हो रहा है। और जो हमारा सनफ्लावर का जो है वो प्रॉपरली हो चुका है ग्रो, इसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं सीड्स भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। और हमारे जो रोज़ है वो भी अच्छी तरीके से ग्रो, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। देखिए एक, फिर यहाँ पर दो, फिर और एक कली है तीन, फिर ये चार पांच और भी कलियां हैं, और अभी भी कलियां, नई नई कलियां आ ही रही है इसके अंदर। और हमारा टोमेटो का एक छोटा सा प्लांट, बेबी प्लांट अभी है, और ये एक और एक टोमेटो का प्लांट है, और इसके अंदर तो मतलब टोमेटो आना भी चालू भी हो गया, दो टोमेटो तो आप देख पा रहे होंगे, अभी और भी आएंगे इसमें। और ये एक है, तो तकरीबन मेरे पास पांच टोमेटो का प्लांट हो जाएंगे, तो वन बाय वन इसमें से हार्वेस्टिंग वगैरह होगी। और ये जिसको अभी तक मैं कैबेज समझ रहा था, ये कैबेज नहीं है, ये एक्चुअली में कॉलीफ्लावर है, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो। और इसके बाजू में ही हमने ये कैरेट लगा के रखा था, कैरेट को ऊपर से काट के लगा के रखा था सीड्स पाने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। और सेम टू सेम हमने यहाँ पर भी लगा के रखा है ये वाले पेड़ में भी, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि कैसे बहुत अच्छी तरह, बहुत बढ़िया तरीके से ये जो है कैरेट ग्रो हो रहा है। इसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट होनी चाहिए। पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको पानी में ग्रो करने वाला दिखाया था,
तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्या आ गया कि मैंने जैसे ही वो पानी वाला पॉट सनलाइट में रखा तो वो जो कैरेट है वो गलना चालू हो गया। तो उसकी वजह से हमारी वो मेथड सक्सेस नहीं रही। तो फिर मैंने दूसरे कैरेट, दो कैरेट लगा दिए गमले में उसी टाइम पे। तभी ये तकरीबन 1 महीने में इतना बहुत ही बढ़िया ग्रो हो गया है। और ये मेरा जो है वो ब्रिंजल, बड़े वाले ब्रिंजल होते हैं उनका प्लांट है। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, ये फर्स्ट फ्लावर आया है। ये एक्चुअली क्या ना, ये प्लांट कोने में था तो मुझे पता नहीं था। आज पूरा जो है उसको रिस्ट्रक्चर, साफ सफाई करके रिस्ट्रक्चर किया है पूरा, इधर से उधर गमले रखे। तो ऐसे जैसे ये मेरा है 5-10 अलग अलग वो जो है रहते हैं तुअर, तुअर नहीं डांगर, डांगर जो रहते हैं उनके है 10 प्लांट ऐसे। और मैं अपना ये जो है ये अपना वो जो क्या बोलते हैं मटर, आलू में जो हिंदी में इसको जो मटर बोलते हैं वो है। तो उसके अंदर आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी ये फर्स्ट टाइम मटर आया है और अंदर भी दिख रहा है वो से। और ये जो हमारा मनी प्लांट जो है वो भी हमने जो लास्ट टाइम उसको जीवामृत दिया था उसके बाद उसकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया तरीके से होने लगी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये जो है हमारा लहसुन का, गार्लिक का जो है वो भी ग्रो हो रहा है। और इसके अंदर भी एक ये वाला जो है वो कैरेट का ही है, ये मैंने जो कंपोस्ट डाली थी उसके अंदर ही उसका बीज निकल आया था, तो वो अपने आप ग्रो होना चालू हो गया है। और ये जो है वो मेरे मूंगफली के है, ऑर्गेनिक मूंगफली आई थी ना, तो उसमें मैंने 2 सीड्स यहाँ पे डाल दिए थे तो वो भी जर्मिनेट हो गए हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा। और इसके बाद जो हमारा मोस्टिक वाला जो मनी प्लांट है उसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से वो ग्रो होना चालू हो गया है। देखिए नीचे भी है, इसमें भी हमने जीवामृत भी दिया था और कंपोस्ट भी दिया था और दोनों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है हमको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरी ब्रांच नई के लिए ये तकरीबन 1 महीने के बाद का अपडेट है आपके पास। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। गुड बाय।